हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम द्वितीय सत्र का व्याकरण का एक अध्याय करेंगे, जिसमें वर्ण विचार वर्णमाला से संबंधित विषयों पर हम चर्चा करेंगे। ये विषय आप देखते हैं, जब से आपने हिंदी पढ़ना शुरू किया है, इसी क्लास से स्कूल ऑनवर्ड्स जितनी क्लास में आपने अभी पढ़ी है या स्कूल में जो आप पढ़ते थे, वो सारे का सारा आपने देखा होगा। जब भी आपने व्याकरण शुरू किया है तो आपने सबसे पहले वर्णमाला और वर्ण विचार से शुरू किया है। अभी सेकेंड स्टैंडर्ड के अंदर भी जो है व्याकरण का कुछ विषय दिए गए हैं, जिसमें वर्णमाला है, भाषा है, उपभाषा है, बोली है और भी कई तरह की चीज़ें जो हिंदी व्याकरण से संबंधित है वो दी गई हैं। तो आज के इस हम कालांश में जो है वर्ण विचार पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वर्ण विचार की चर्चा करने से पहले हमें यही पता होना चाहिए कि वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वर्णमाला उसको कहते हैं जिसमें स्वर और व्यंजन, स्वर वाली वॉवल्स, व्यंजन में कॉन्सोनेंट्स, जिसमें स्वर और व्यंजन का क्रमबद्ध समूह, तो स्वरों और व्यंजनों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है कि क के बाद ही ख आएगा, ख के बाद ही ग आएगा, क के बाद ही घ आएगा। अगर ये क्रमबद्ध समूह नहीं होगा तो फिर क्या होगा, क के बाद च आ जाएगा, च के बाद य आ जाएगा, तो उससे हमारी वर्णमाला बिगड़ जाती है। तो वर्णमाला होता है स्वरों और व्यंजनों का व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इसको हम क्रमबद्ध समूह भी कह सकते हैं और इसको हम व्यवस्थित समूह भी कह सकते हैं। तो आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला की जब हम बात करते हैं तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर आपको पता है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अर्थात स्वर वे वर्ण होते हैं, इनको आप वर्ण कह सकते हैं, लेकिन जब आप स्वर कर रहे हैं तो स्वर भी कह सकते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं या ये वे वर्ण होते हैं, कोई भी आप परिभाषा दे सकते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इनके उच्चारण, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन में जब आप बोलते हैं तो बोलते समय आप उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको हम स्वर कहते हैं। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसमें हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते। जैसे आप देखते हैं स्वर अ है, अब अ में आपको देखो किसी भी अन्य वर्ण अथवा किसी भी कॉन्सोनेंट की आवाज नहीं आ रही है, जबकि जब मैं आपको व्यंजन बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते, जबकि ये स्वतंत्र है। तो स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अर्थात उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्वर तीन प्रकार के होते हैं, स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और अनुरुद्ध। वैसे जब आप किसी नई व्याकरण की पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो उसमें स्वर दो ही प्रकार के रखे होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। इनको हम मात्रा के आधार पर वर्गीकरण कहते हैं, मात्रा के आधार पर। जब हम मात्रा के आधार पर वर्गीकरण की बात करते हैं तो स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। फिर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि मैंने पलुष को लिखा, पलुष स्वर वैसे तो उपयोग में नहीं आता है लेकिन उच्चारण में हम इसका उपयोग करते हैं, तो मैं आपको आगे बताऊंगा जब इसके बाद दीर्घ के बाद पलुष पढ़ा। लेकिन अभी आप ये देखिए कि मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। परीक्षा की दृष्टि से आपने इन्हीं दोनों पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, परीक्षा की दृष्टि से यही पूछे जाते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अब ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है। जब आप इनको प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारित करेंगे तो कम से कम समय लगेगा। तो ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है। अब ये संख्या में कितनी है, संख्या में ही चार, कौन कौन से, अ, ई, उ और री।
ये संख्या में चार है। देखो कई प्रश्न बन जाते हैं, हो सकता है आपके व्याकरण में ये प्रश्न आ जाए कि हिंदी में ह्रस्व स्वर कितने हैं। तो देखो मैंने आपको संख्यात्मक लिख दिया है कि ह्रस्व स्वर संख्या में है चार। आपसे पूछ रहे कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, तो देखिए मैंने लिख दिया है अ ई उ री। कई बार परीक्षा में ऐसे भी पूछ लेते हैं, इसको सिंगल निकाल के पूछ लें छोटी ई या छोटा ऊ पूछ लें आपसे ये कौन से स्वर है, या आपसे हो सकता है ये पूछ लें कि शुरू के दो लेते अ और ई कौन से स्वर है। तो हमें ये चीज क्लियर रहनी चाहिए कि ह्रस्व स्वर भी स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है। तो इस संख्या में चार हो गए अ ई उ और री। अब आ जाइए दीर्घ स्वर। दीर्घ देखो बात से ही पता चल रहा है, दीर्घ दीर्घ मैंने लंबा पड़ा, ठीक है। तो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है, दोगुना समय लगता है उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में कितने हैं सात। अब ये सात कौन से हैं, ह्रस्व के अलावा जो बच गए वो सारे के सारे आपके दीर्घ स्वर हैं। देखो इधर से कहिए हमने आ तो यहाँ लिखा हुआ है, अब कौन सा बच गया बड़ा आ, ये देखो छोटी ये बड़ी ई, वो हमने यहाँ लिखा था बड़ा ऊ, ये तो है ए आई ओ और औ, ये सात जो है आपके दीर्घ स्वर है। अब मैं देखो इनका उच्चारण करके आपको बताऊंगा कैसे दीर्घ स्वर लगता है। अब इसमें परीक्षा की दृष्टि से कैसे पूछा जा सकता है, जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं आठ नंबर के एक नंबर के, उसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं दीर्घ स्वर की परिभाषा पूछ ले, या आपको एक नंबर का प्रश्न पूछ ले कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर में क्या अंतर है। तो ह्रस्व जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दो गुना समय लगता है। या आपसे संख्यात्मक पूछ सकते हैं, ह्रस्व स्वर संख्या में कितने होते हैं चार, दीर्घ स्वर संख्या में कितने होते हैं सात, और इस संख्या में सात कौन से, हो सकता है बीच में सात को दे दे बड़ा ओ बट ये छोटी है ये कौन से स्वर है, या आपको आखिरी में तीन दे दे आई ओ और ओ कौन से स्वर है। तो वो हमें इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि हमें ये सातों के सातों पता रहनी चाहिए कि ये ह्रस्व है चार, ये ह्रस्व है ये सात, ये दीर्घ है। उस पेपर में आपसे परीक्षा की दृष्टि से वो आपसे शुरू के तीन भी पूछ सकता है, परीक्षा की दृष्टि से वो आपसे आखिर के चार भी पूछ सकता है, वो आपसे संख्यात्मक भी पूछ सकता है, वो आपसे इसकी परिभाषा भी पूछ सकता है। तो हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि ह्रस्व ये होते हैं दीर्घ स्वर ये। अब देखो मैंने इसमें आपको बताया था कि ह्रस्व स्वर जिन स्वर के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं तो देखिए मैं इसको जब इसका उच्चारण करूंगा, देखिए जब मैं उसका उच्चारण करूंगा तो मुझे अ नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको परिभाषा में बताया है कि ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दो गुना समय लगता है। जब हम छोटे बच्चों को क्लासेस पढ़ाते हैं पहली से पांचवीं जब कक्षाएं आती हैं, तो जब उसमें हम बारह खड़ी का वर्णमाला का जो बच्चों से उच्चारण करवाते हैं तो हम इसको बोलते हैं अ और इसको बोलते हैं आ ई ई उ उ, तो देखो डबल समय लग रहा है। जब हमने इसका उच्चारण किया उ, इसका उच्चारण करेंगे उ, इसका उच्चारण हमने किया इ, इसका उच्चारण करेंगे ई, तो देखिए डबल समय लगा, इसमें कम से कम समय लगा था, इसमें ह्रस्व स्वरों से दो गुना समय लगा था। तो आपको क्लियर होना चाहिए चीज, ह्रस्व स्वर संख्या में चार थे बोलते समय कम से कम समय लगता है, दीर्घ स्वर संख्या में सात थे उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दो गुना समय लगता है, मैंने आपको बोल के दिखाया है। अब परुस्वर की बात है, परीक्षा की दृष्टि से आपको इतना ध्यान रखना है, इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करो तो ह्रस्व दीर्घ, ठीक है। पलुत पलुत क्या होता है, ये वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से तीन गुना समय लगता है। हम आमतौर पे इन स्वरों का उच्चारण हम दूसरे तरीके से करते हैं, जैसे आपने देखा होगा जैसे आपको किसी को पुकारना हो तो जैसे पुकारते हैं, तो हम जब उसको पलुत ले जाते हैं, पलुत मैंने होता है उस अक्षर को लंबा खींच करके लेके जाना, जैसे हम कई बार आपने ओम का उच्चारण लिखा होगा, एक तो मैंने सिंपल बोला ओम 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 ओम, एक मैं कहूंगा ओम, जब इस तरह से उच्चारण किया जाएगा तो एक पलुत हो जाता है। आपने आर्य समाज के कभी किसी मंदिर में या मठ में जाकर के देखना, उनके गेट पे आपको ओम ऐसा लिखा मिलेगा, ये ओम आपको ऐसा लिखा मिलेगा, इस चीज को नोटिस कीजिएगा कभी वहां जाइएगा,
तो इस ये ओम का मतलब जो बीच में तीन लगा हुआ है, तीन का मतलब है ह्रस्व स्वरों से उच्चारण करते समय तीन गुना समय लगेगा। अब इसका उच्चारण ओम नहीं, इसका उच्चारण ओम इस तरह से जाएगा, ये लगेगा। तो इसको हम आमतौर पर इसको हम इस्तेमाल में क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये केवल उच्चारण के समय ही इस्तेमाल होता है। जैसे मुझे अगर मान लो इसमें राम लिखना हो तो मैं राम को उसमें ऐसे लिखूंगा राम, इसका उदाहरण कैसे हो जाएगा राम राम राम, क्योंकि ये पलुत है। लेकिन ये ह्रस्व है, अगर यही राम आपका ह्रस्व है तो उसको राम 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 राम, इसी को अगर दिल करके बोलता हूँ तो बोलेगा राम 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 राम, इसी को मैं पलुत करके बोलूंगा तो राम राम, ठीक है। तो इसको हम भाषा विज्ञान की दृष्टि से जब देखते हैं तो हम इसको उच्चारण की दृष्टि से ऐसे करेंगे। अंग्रेजी का फोनेटिक्स सीखते हैं ना, वो बिल्कुल यूं का यूं हिंदी में भाषा विज्ञान है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए आप व्यंजन पे। व्यंजन स्वर की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन जब हम व्यंजन की बात करते हैं, कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं, तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना हो ही नहीं सकता। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब कैसे बोले जाते हैं, आप उनकी तरफ देखिए। जैसे हमारा क, क आपका व्यंजन है, ये दो चीजों से मिलकर बना है, क और अ। ये देखिए हमने स्वर की सहायता ली है। आप क से लेकर के जितने भी हमारे 33 व्यंजन है उन सब में से किसी का भी उच्चारण करके देख लें, बीच में से किसी को भी लेके देख लें, वो बिना अस्वर की सहायता के बोला ही जा सकता। देखिए कैसे च है, च दो चीजों से मिलकर बना है, हलन का मतलब आधा और इसमें ये देखिए अ की आवाज आ रही है अ। तो देखो परिभाषा क्लियर है, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र नहीं होते और स्वरों की सहायता के बिना बोले ही नहीं जा सकते। जबकि हमने यहां बात की थी ह्रस्व वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अर्थात इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। देखो हमने जब यहाँ अ बोला था इसमें किसी भी कॉन्सोनेंट की आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से है। लेकिन जब आप यहाँ व्यंजन की बात करते हैं तो क से लेकर के ह तक आप किसी भी व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो वो आपके ह्रस्व अ के बिना नहीं बोला जाएगा। तो ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। तो जिस तरह से स्वर के तीन भेद हैं, ठीक उसी प्रकार से व्यंजन के तीन भेद हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। जैसे आपने स्वर के तीन भेद किए थे, ठीक उस प्रकार व्यंजन के भी तीन भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, देखो स्पर्श व्यंजन अपने आप ही समझ में आ रहा है, नाम से ही हेडिंग से ही पता लग रहा है, स्पर्श मतलब ये व्यंजन कहीं ना कहीं स्पर्श करके बाहर आ रहा होगा। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, ये वे वर्ण होते हैं, या आप व्यंजन कह सकते हैं, ये वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में, जिनका उच्चारण करते समय जो है मुख के विभिन्न उच्चारण केंद्रों से, ये जितने भी वर्ण होते हैं ये मुंह के विभिन्न उच्चारण केंद्रों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं। देखिए जैसे आप बोलते देखिए प को बोल के देखिए प ह ब भ म, ये देखो ओष्ठ वर्ण है, ओष्ठ वर्ण कौन होता है जिसमें लिप्स टच करता है, जैसे हमने पहले बोला प फ ब भ म। तो स्पर्श व्यंजन में इनका उच्चारण करते समय हमारा कोई ना कोई उच्चारण केंद्र इन व्यंजनों को स्पर्श करता हुआ बाहर निकलेगा, ठीक है। जैसे आपने ताल में बोला आप ठ बोल के देखिए ठ ठ बोला तो आपकी जीभ ताल को टच करके नहीं तुरंत नीचे आए, आपने ओष्ठ बोला प ह ब म दोनों लिप्स आपके टच किए, होंठ टच किए, तो इसका मतलब ये स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन संख्या में होते हैं 25, क से लेकर के म तक, क ख ग घ छ छ ज ज ऐसे करेंगे तो क से म तक इनकी संख्या 25 है। ये सारे के सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श क्लियर हो गया आपको, इसमें जो भी वर्ड का उच्चारण किया जाएगा वो किसी ना किसी हमारे उच्चारण केंद्र को स्पर्श करके ही बाहर निकलेगा, ये स्पर्श व्यंजन हो गया। परीक्षा में कैसे पूछ सकते हैं, परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं स्पर्श व्यंजन की परिभाषा। अभी मैंने आपको बताया कि इनके उच्चारण में जो है मुख के विभिन्न उच्चारण केंद्रों से ये वर्ड या व्यंजन स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं। परिभाषा पूछ सकता है आपसे, संख्यात्मक पूछ सकता है कि हिंदी में कुछ स्पर्श व्यंजन कितने, 25 है। आपसे पूछ सकता है स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक है, तो कहाँ से कहाँ तक आपको बता दिया, क से तक। इसमें एक नई बात और है,
स्पष्ट व्यंजन के पांच वर्ग होते हैं। इनको पांच वर्गों में बांटा गया है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इस हर प्रत्येक वर्ग में पांच पांच आपके व्यंजन, जिनको आप कौन सा व्यंजन कह सकते हैं अंग्रेजी में, वो इसमें पांच पांच ही है। अब परीक्षा में आपसे ऐसे पूछ सकते हैं हिंदी के कोई वर्ग व्यंजन बताइए, तो आंसर वो उत्तर आपको खुद ही दे रहा है। का का मतलब क्या है कि पहला उसका वर्ण जो है क होगा, क खा ग घ। ध्यान रखिए इस बात को, मान लो परीक्षा में आपसे पूछा हिंदी के च वर्ग व्यंजनों का चुनाव कीजिए, तो उत्तर वो पहले ही दे रहा है, मतलब आपको पहला तो च लिखना ही, पहला उत्तर तो देखो उसमें दे ही दिया, च छ द, टवर में दे दिया ट ठ ड, टवर में त छ द, पवर में प फ भ भ में। इस तरह से आप इनको पांच पांच वर्गों में डिवाइड करेंगे तो देखो 25 हो जाएंगे स्पर्श व्यंजन जो मैंने यहाँ संख्यात्मक लिखे। उसके बाद हमारा दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं जो ना तो स्वर है और ना अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का सा लगता है, इसलिए हम इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वर भी है, कई बार ऐसा लगता है कि व्यंजन भी है, इसलिए हम इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। और ये भी संख्या में चार है, य, र, ल और व। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये आपके स्वर भी है और व्यंजन भी है। ये संख्या में है चार, य, र, ल और व। हम किसी भी कॉन्सोनेंट का या किसी भी वोवल का, किसी भी स्वर का या किसी भी व्यंजन का जब चुनाव करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बोला कैसे जा रहा है, उसका उच्चारण स्थान कौन सा है, उच्चारण करते समय क्या चीज हो रही है। जैसे मैंने इसमें हर्ष में बताया इनका उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में बताया इनका उच्चारण हर स्वर से दुगना समय लगता है, और उस स्वर में बताया सबसे अधिक समय लगता है किसी को पकड़ने के लिए। तो उसी तरह से अंतस्थ व्यंजन भी जो होते हैं इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का सा प्रतीत होता है। जैसे य, य, र, य, जब इनको बोलेंगे य, र, तो ऐसा लगेगा जैसे स्वर बोला जा रहा है, ऐसा लगेगा जैसे व्यंजन बोला जा रहा है। तो इसलिए चार होते हैं य, र, ल और व। उसके बाद आ जाए ऊष्म व्यंजन। इससे भी पता लग रहा है ऊष्म का मतलब होता है गर्म, गर्म चीज को हम ऊष्म कहते हैं। आप भूगोल में आपने शब्द पढ़ा होगा शीतोष्ण, ऊष्ण, ठीक है, शीतोष्ण मैंने जो ठंडे हैं, ठंडे और गर्म है, उष्ण मैंने जो गर्म है। तो यहाँ से देखो क्लियर, उष्ण, उष्ण मैंने जिन उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से विशेष गर्म हवा बाहर निकले। अब आपके मन में सवाल है जो भी चीज हमारे मुंह से बाहर निकलती है चाहे वो ह्रस्व है चाहे वो दीर्घ है, कोई भी व्यंजन है, कोई भी स्वर है, गर्म हवा तो उसमें बाहर निकलेगी निकलेगी। लेकिन ये चार व्यंजन आपके ऐसे हैं जिनमें विशेष रूप से गर्म हवा मिलती निकलती है हमारे मुख से, मैं उसका अभी आपको प्रयोग करके दिखाऊंगा, पहले समझिए। उसमें व्यंजन भी होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से विशेष गर्म हवा बाहर निकलती है। ये संख्या में है चार, शेष शर्म वाला, शेष शक्तोर वाला, स सुंदर वाला और ह। आप इनको बोल के देखिए, जब आप अपनी पाँव खाते ही पे इनको बोल के देखेंगे, एक तो आप पाँव बोल के देखिए, पाँव बोलते हैं तो आपके मुख से गर्म हवा तो निकल गई लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में निकल गई। लेकिन जब आप शब्द बोलते हैं तो शब्द आपकी जीभ के अंदर कई ट्विस्ट आ जाते हैं और वो इतनी स्पीड से बाहर निकलती है, ऐसे ऐसा लगता है जैसे हम किसी चीज़ को रगड़ लगाते हैं, जब हम रगड़ लगाते किसी चीज़ को करते हैं तो उसको हीट पैदा होती है। तो जब आप शब्द बोलेंगे तो खुद बोल के देखिए जीभ आपके अंदर से ऐसे घूमगी, श श, ऐसा लगा तालू को भी ली, तालू को भी लगी, नीचे भी लगी, कहीं इधर भी टच की, श बोला तो लग रहा है यहाँ से भी निकला, बीच में से कुछ निकला। तो इनको बोलते समय विशेष गर्म हवा बाहर निकलेगी। स्वर व्यंजन से कुछ भी बोला जाए विशेष गर्म हवा तो बाहर निकलेगी, लेकिन उष्ण व्यंजन विशेष तौर से इनके उच्चारण में गर्म हवा ज्यादा बाहर निकलती है। इनमें से किसी भी वर्ण का, व्यंजन वर्ण का जब आप उच्चारण करेंगे तो इसमें से विशेष गर्म हवा निकलेगी। तो अब हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, ये जो हमारा टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है जब आप स्कूल एजुकेशन में जाएंगे, स्कूल में पहले से पांचवीं तक पी आर टी लगेंगे, टी जी टी लगेंगे, पी जी टी लगेंगे, ये हमारा बेसिक ग्रामर यहीं से शुरू करते हैं। हम जब भी ग्रामर हिंदी की ग्रामर पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हमें वर्णमाला बताना पड़ेगा, उसके बाद हमें स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन के बाद ही अगर हमारे बच्चों को स्वर व्यंजन का ज्ञान नहीं हुआ तो वो कोई भी चीज़ आगे नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले तो इस विषय को जो है बहुत वैसे तरीके से लेना है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आता है, आप सी टेट एच टेट का एग्जाम दें उसमें भी आपको टॉपिक पढ़ना है। तो स्वर व्यंजन आप
प्राइमरी क्लासेस से प्राथमिक कक्षाओं से इसको पढ़ते आ रहे हैं, फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड से लेकर के और ट्वेल्थ तक आपने नाइन टेंथ तक खूब आता है, तो इसमें कहीं भी कोई किसी प्रकार की गलती ना है, इनको एक बार रिपीटेशन भी रहना चाहिए। वर्ण, अच्छा वर्ण के बारे में दो तीन चीजें ध्यान और भी रखनी होती है। वर्ण जैसे ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, एक थोड़ा सा खोल के बता देता हूँ, सबसे छोटी इकाई ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, एक बात। दूसरी बात, वर्णों के और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। अब आप कहेंगे जो और अधिक टुकड़े का टुकड़े इसके पहले कैसे, टुकड़े मैंने आपको यहाँ करके दिखाए थे, जैसे क है आधा मिलके बना, इससे ज्यादा टुकड़े नहीं हो सकते। दूसरा, स्वरों को व्यंजनों के क्रम, व्यंजनों के सार्थक समूह से शब्द बनता है, वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनता है, जैसे क जमा म जमा ल। ये देखिए वर्णों का सार्थक समूह है, इससे हमारा सार्थक शब्द बना कमल। तो देखिए वर्ण के बारे में हमें तीन चीज पता होनी चाहिए, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। छोटी इकाई का मतलब क, क्या मतलब इसका, जैसे आपका क है, अगर मुझे क नहीं पता है तो मैं इससे कल नहीं बना सकता, अगर मुझे क नहीं पता है तो मैं इससे कमल नहीं बना सकता, अगर मुझे क नहीं पता है तो मैं इससे कयामत नहीं बना सकता। इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसी से जुड़ करके आगे शब्द बनेंगे। वो अक्षर दो अक्षरों का भी हो सकता है, तीन अक्षरों का भी हो सकता है, चार अक्षरों का भी हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना है सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, इसके और अधिक टुकड़े भी हो सकते और वर्णों के सार्थक समूह से सार्थक शब्द का निर्माण होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कवर है, कल इसमें से हम रिकॉल करेंगे और दो दो चीजें आपको इस वक्त कराई है उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा और अगले विषय पर आप तर्पण कर जाएगा। थैंक्स।